हमको अगर दो रोटी से पेट नहीं भरता तो तीन रोटी मांगेंगे ही, ये घर की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विभागों के बंटवारे से नाराज जीतन राम मांझी ने अब दो नहीं तीन मंत्रियों की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान ही कहते नजर आए कि अगर मेरा पेट एक रोटी से नहीं भरेगा तो हम दो या तीन की मांग तो करेंगे ही, हमारी मांग मेरे नेता से है क्योंकि फ्लोर टेस्ट नजदीक है और फ्लोर टेस्ट में ही नीतीश कुमार को बहुमत हासिल करनी है, विश्वास मत हासिल करना है। और इससे पहले जीतन राम मांझी ने ये बड़ी मांग नीतीश कुमार के पास रखी है। नीतीश कुमार से उनकी ये भी शिकायत है कि आपने वही विभाग हमें दिया है जो परंपरागत रही है, आप हमें कुछ अलग विभाग दीजिए। हम गांव में रहने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग के साथ रहते हैं जिनका हम विकास कर पाएंगे, हमें पुल भी बनाना आता है, हमें चापाकल भी लगाना आता है, आप कोई ऐसा विभाग दीजिए हमें ताकि हम गांव जाकर काम कर पाए, लोगों के बीच रहकर काम कर पाए। आपने हमें ऐसा विभाग दिया है जो परंपरागत रही है, हमें ये विभाग नहीं चाहिए। तमाम बातें जीतन राम मांझी कहते नजर आए हैं और उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरा पेट एक रोटी से नहीं भरता है तो अपने नेता से मांग करेंगे ही, हमें दो रोटी चाहिए, हमें तीन रोटी चाहिए, तमाम बातें जीतन राम मांझी कहते नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन लगातार ये आरोप लगा रही है और इस बात का दावा भी कर रही है कि नीतीश कुमार के फ्लो टेस्ट से पहले यानी कि विश्वास मत से पहले ही बिहार में एक बड़ा खेला होगा और कहीं ना कहीं ये खेला जीतन राम मांझी ही करेंगे। जिस तरीके से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर खफा नजर आए हैं, नीतीश कुमार से नाराज नजर आए हैं, इन तमाम वाक्य को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि जीतन राम मांझी ही इस बार बड़ा खेला कर सकते हैं। धन्यवाद है आपको, बहुत शुक्रिया। अब तो सत्ता परिवर्तन हो गया, आपने पहले भी कहा था। सत्ता परिवर्तन हुआ और अच्छा के लिए परिवर्तन हुआ, कहने का मतलब कि हम लोग कुछ भटक गए थे इधर उधर और रास्ते पर चले आए हैं। जो 2020 में चुनाव हुआ वो चुनाव एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए किया था और बना भी था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कि जिस भी कारण से हो महागठबंधन के साथ चले गए थे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार 2005 और 10 के बीच में अपना नाम कमाने का काम किया था, गुड गवर्नेंस दिया था, वो कहने को बाध्य हो गए तेजस्वी के सामने कि क्या बिहार के लोग 2005 के पहले वाली स्थिति चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका भर्सन था कि वो उब रहे थे कि भाई हम गुड गवर्नेंस दिया है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है, करप्शन ज़्यादा है और शेड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटी हो रहा है, तो इसके लिए वो चेंज के लिए चाह रहे थे। और अंतर्गतवा चेंज हुआ तो स्वागत योग है सर। 12 तारीख पर इसका पूर्ण बहुमत है हमारे एनडीए के साथियों का और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री को हम लोग ने नेता चुना है, मुख्यमंत्री बनाया है और 128 से एक आदमी भी नहीं घसकेंगे, हो सकता है एक आध वोट ज़्यादा ही आ जाए। इसलिए 12 तारीख की जो बात है उसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि कोई उलट पुलट हो। राजद और उनके सहयोगियों को लगता है कि मांझी जी ने दो मंत्री पद मांगा है तो खेला इसी पर टिका हुआ है, ये बहुत गलत है। हम अपना घर है, हमारा मुखिया है, हमको अगर दो रोटी से पेट नहीं भरता तो तीन रोटी मांगेंगे ही, तो इसमें लड़ाई कहाँ है। हम अपने घर को जला देंगे, हम बर्तन को फोड़ देंगे, वो कभी नहीं हो सकता। हम लोग सब एक साथ हैं। और दूसरी बात कि ये लोग जो बोलते हैं खेला का, तो जानते हैं देहात में हम लोग जानते हैं जो पहलवान पटका जाता है अखाड़ा में वही बोलता है कचा अबरी हम पटक देंगे, तो वही ये लोग कर रहे हैं, अपने पटका गए हैं तब वही आशा स्वप्न रात में भी देखते होंगे कि हम अब पटक देंगे, तो वो सब उनका ख्याली पुलाव है। और हम समझते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में सबको अटूट विश्वास है और जो एनडीए की सरकार बनी है वो 128 लोगों के बहुमत से बनी है, इसलिए वो 12 तारीख को कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी। हम लोग बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस वोट सीख कर लें। सर जो में पद मिला है आपके पार्टी को मंत्री पद का, आगे ये कोई मीडिया में कहने की बात नहीं है, ये घर की बात है। घर में पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता तो हम दो तीन रोटी की मांग करेंगे। हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई
आप हमको कम से कम 2 रोटी दीजिए। और फिर विभाग में भी हमने यही कहा है कि एक परंपरागत विभाग आप हमको दे रहे हैं, हम देहात में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं गरीबों के बीच में, तो हम मकान बनाना भी जानते हैं, हम पानी पिलाने के लिए चापाकल गाड़ना भी जानते हैं, हम रोड बनाना भी जानते हैं, हम पुल भी बनाना जानते हैं। ये सारे विभाग ऐसे हैं जो गरीब से संबंधित है और हम गरीब की राजनीति करते हैं, तो इसलिए हम अपने नेता के सामने एक मांग रखी है और ये देना न देना उन पर है। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि न भी देंगे तो कोई इसके लिए हम अप्रिय बात किसी से नहीं कहेंगे और न घटने देंगे। क्या कोई खास विभाग सर, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य? हम जो कह दिया, हम तो फरिया के कह दिया कि भाई ये सब विभाग अगर मिले तो देहात में ग्रामीण क्षेत्रों में हम कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा विभाग अगर मिले तो अच्छा रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।